हेलो दोस्तों, आज देखेंगे अपन 12th क्लास फिजिक्स में सॉलिड एंड सेमी सॉलिड कंडक्टर डिवाइस के बारे में, जिसमें देखेंगे स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड, विशिष्ट डायोड के बारे में, जिसमें पहला प्रकार होता है इसका, मतलब पहला टाइप्स देखेंगे विशिष्ट डायोड में, एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में समझेंगे। तो देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो विशेष रूप से बनाया गया पीएन संधि डायोड होता है, मतलब यह क्या होता है जी, एक विशेष रूप से जो बनाया गया कोई भी चीज़ में, यह एक पीएन संधि डायोड होता है। इसके परिभाषा लिख दें क्या, यह विशेष रूप से बनाया गया पीएन संधि डायोड होता है, पीएन संधि डायोड होता है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखेंगे जो अग्र अभिनति में, जो अग्र अभिनित, अग्र अभिनित में संधि स्थल से प्रकाश, संधि स्थल से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, बोलने का मतलब है कि यह विशेष रूप से पीएन संधि डायोड होता है, और अग्र अभिनित के संधि स्थल से प्रकाश का उत्सर्जन होना, अग्र अभिनित से प्रकाश उत्सर्जन होता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन डायोड, ठीक है जी। यह डायग्राम किसका, प्रकाश उत्सर्जन सेल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है। तो पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एन क्षेत्र के होलों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब पी क्षेत्र में जो भी इलेक्ट्रॉन की रहेगा वह एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों के होलों से अधिक होती है, तब अग्र अभिनत में सहयोग। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास, अगला पेज में चलें क्या जी, ये देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ऐसे करके मेरे पास मान लीजिए चार होल हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने पास ऐसे पांच हैं, ऐसे करके तो इसी के अराउंड घूमते रहेंगे, तो इस होलों से ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा, जितने होल होंगे उसमें जाके बैठ सकते हैं, लेकिन कुछ तो रहेगा जो अपने से एक्स्ट्रा हो जाएगा ना जी, यही चीज़ बोल रहा है। अग्र अभिनत में सहयोग करते हैं जो ऊर्जाओं के अंतर के संगत ऊर्जा उष्मा तथा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम की संधियों में ऊर्जा का अधिकांश भाग उष्मा का अधिकांश भाग उष्मा के रूप में होता है, तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा नगण्य होता है, लेकिन अर्धचालक पदार्थ गैलेनियम ऑक्साइड, अब गैलेनियम ऑक्साइड क्या है जी, GaAs, गैलेनियम फॉक्साइड GaP और गैलेनियम ऑक्साइड अर्धचालक के अल्प पारदर्शी है, इस प्रकार के प्रकाश बाहर निकलता है, तथा संधि एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है, इसलिए इस प्रकार के डायोड को संधि प्रकाश उत्सर्जन डायोड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके प्रयोग देख लेते हैं, प्रयोग क्या क्या करते हैं अपन, तो देखिए इसमें प्रयोग अपन देखते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कहीं भी चले जाएं, इसके प्रयोग ज़्यादा पूछते हैं, तो अपन आज इसके प्रयोग देख लेते हैं जी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहला कहाँ प्रयोग करेंगे जी, तो चोर सूचक घंटी के विद्युत परिपथ में, चोर सूचक घंटी के विद्युत परिपथ में, और दूसरा उपयोग कहाँ करेंगे, प्रकाशी संचार के स्रोत के रूप में, प्रकाशी संचार स्रोत के रूप में, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे, प्रतिबिंब संसूचक परिपथों में, और चौथा देखेंगे उपकरणों के डिस्प्ले में,
डिस्प्ले में, उपकरणों के डिस्प्ले में। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग भी देख लीजिए। चोर सूचक घंटी के रूप में विद्युत परिपथ में होता है, प्रकाशीय संचार के स्रोत के रूप में होता है, प्रतिबिंब सूचक परिपथ में होता है, उपकरणों के डिस्प्ले में होता है। ठीक है दोस्तों, और फिर आगे देखेंगे अपन दूसरा प्रकार में देखेंगे, तब होता है जेनर डायोड। ये दूसरा प्रकार है ना, जेनर डायोड। अब जेनर डायोड बोलते किसको है जी, पहले तो मेरे को ये बताइए। मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ। इस प्रकार के डायोड को बोलते हैं जेनर डायोड, याद रखिएगा। जेनर डायोड का ये प्रतीक है। ठीक है जी। अब बोलते किसे, यह विशेष रूप से पीएन संधि डायोड का बना होता है। यह कैसा बना होता है, यह विशेष रूप में पीएन संधि डायोड का बना होता है, ठीक है दोस्तों, जो उत्क्रमण अभिनीत में भंजक विभव पर कार्य हेतु प्रयुक्त किया जाता है भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह बोलने का मतलब है कि यह विशेष रूप से पीएन संधि डायोड से बना होता है, जो उत्क्रमण, वो किसमें था, अति किसमें था जी, वो अग्र अभिनत में था या उत्क्रम अभिनत में रहता है, केवल ये दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, और क्या करता है, भंजक विभव पर कार्य हेतु प्रयुक्त किया जाता है। भंजक मतलब पूरा हो जाना, तो भंजक विभव का नाम डोपिंग के घनत्व पर निर्भर करता है। अब कोई आपसे पूछे कि भंजक विभव का मान किस पे निर्भर करता है जी, भंजक विभव का मान किस पे करता है, तो डोपिंग के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या डोपिंग के घनत्व भी बोलेंगे इसको। ठीक है, आगे देखते हैं, अधिक डोपिंग घनत्व के लिए भंजक विभव का मान कम होता है। उत्कृष्ण अभिनीत में जेनर डायोड का भंजक विभव आरोपित करने पर वह धारा की सुगमतम पूर्वक प्रवाहित होने देता है, किंतु धारा प्रवाहित के बावजूद पीएन संधि डायोड नष्ट नहीं होता। जैसे ही आरोपित विभव भंजक विभव से कम होता है, जेनर डायोड सामान्य डायोड की तरह कार्य करने लगता है। जेनर डायोड 2 में वोल्टेज से 200 वोल्टेज भंजक के हेतु निर्माण किया जाता है, जेनर डायोड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में, जिसमें कुछ अपन नया देखेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो जी,